नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 23 सितंबर 2020 को होने वाले राहु देव के राशि परिवर्तन का कुंभ लग्न व कुंभ राशि वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो पूरे 18 माह आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करता रहेगा और यहां पर आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी। ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये आपके लिए बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा। बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे सहयोग बताने जा रहा हूं जो आपका मन प्रसन्न करने वाले हैं। मित्रों, 23 सितंबर 2020 से राहु देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर संचरण करने जा रहे हैं और यह योग पूर्णतया संकेत दे रहा है कि राहु देव आपको समस्त उन भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने जा रहे हैं जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। गाड़ी, घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन, जायजा, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से राहु देव आपको 18 महीने परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, माता से संबंध बड़े अच्छे रहेंगे, हर एक स्थिति आपके फेवर में आपको 23 सितंबर के पश्चात से दिखना अवश्य प्रारंभ होगी। राहु देव की जो पंचम दृष्टि जा रही है मित्रों, वो जा रही है आपके अष्टम भाव पर। पिछले जितने भी समय के अंदर आपने मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्स्टेकल का सामना किया है, वो हर एक स्थिति अब राहु देव रिमूव करते हुए पाए जाएंगे और आप देखेंगे आपके लिए हर एक स्थिति आपके फेवर में बनकर आएगी। जितने भी मानसिक तनाव थे वो आप फेस कर चुके हैं, अब आगामी 18 महीने हर एक स्थिति आपके लिए राहु देव ही फेवरेबल बनाकर देंगे। सप्तम दृष्टि राहु देव की कर्म भाव पर जा रही है जो निसंकोच एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आपके लिए लेकर आई है। कर्म करने वाले अर्थात व्यापार करने वाले जातकों को श्रेष्ठ मुकाम हासिल प्राप्त होंगे, साथ ही जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन के योग राहु देव बनाकर ही देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। कुंभ लग्न व कुंभ राशि के वह जातक जो काफी समय से जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए भी राहु देव लेकर आ रहे हैं बहुत ही श्रेष्ठ सौगात। राहु देव की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है जो आपकी फिजूल की खर्चियां खत्म करेगी। यदि पिछले समय में कोई हॉस्पिटलाइज खर्चे, कोई घर में बीमार था, वो समस्याएं समाप्त होने जा रही है। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए आगामी 18 महीने के लिए राहु देव बनाकर दे रहे हैं क्योंकि नेटिव लैंड के ऊपर गोचर कर रहे हैं और फॉरेन लैंड को देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो भी आपके पक्ष में बनकर आएंगे। अगर विदेश से संबंधित भ्रमण करना चाह रहे हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष में बनाकर देंगे। अब मित्रों, यहां थोड़ा समझने की बात यह है, यदि आपकी कुंडली आपके पास बनी हुई है और कुंडली के अंदर शुक्र और राहु दोनों का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो समझिए आपकी हो गई बल्ले बल्ले। किंतु यदि राहु और शुक्र इन दोनों का ही प्लेसमेंट आपकी कुंडली में 6-8-12 में बना हुआ है, नीच के होकर बैठे हैं, तो यहां कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहा हूं जिनका यदि आप पालन करते हैं आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। 23 सितंबर 2020 से सर्वप्रथम आपको चाहिए ओम रंग रहावे नमः का जाप आपको अवश्य करना है। शनिवार के दिन किसी भी गरीब वस्तु व्यक्ति को कुछ भी भोजन से संबंधित, खाने पीने से संबंधित कुछ वस्तु दान करते हैं, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अपने रूम के अंदर एक मोर पंखी आपको अवश्य रखनी है। साथ ही राहु देव के बुरे प्रभाव आपको ना देखने को मिले, राहु देव का बहुत अच्छा योग आपको देखने को मिले, आगामी 18 महीने में अपने घर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको खराब नहीं होने देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में बने हुए हैं, यदि आप उनको खराब अवस्था के अंदर ही घर में डाले रखते हैं तो राहु देव कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, ये आपको आज ही बता रहा हूं। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली रूप से आपको उसे सही कराकर रखना है। सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को जितना स्वस्थ और दुरुस्त आप रखेंगे उतना स्वस्थ और दुरुस्त राहु देव आपको करने वाले हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। आगामी 18 महीनों की प्लानिंग आज से ही करना चालू कर दीजिए, हर एक स्थिति आपके फेवर में बनने वाली है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। राहु देव को प्रणाम कीजिएगा और लास्ट में यही कहूंगा, जिस राहु देव से सब लोग डरते हैं उस राहु देव से कुंभ लग्न व कुंभ राशि वाले जातकों को अब हो जाएगा प्यार। मेरे द्वारा दी गई यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए।